Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. महेंद्र में बजा चुनावी बिगुल। कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा पर आरोप की लगाई झड़ी। भाजपा के नेता चोर हैं, मेरा भाईंदर का आमदार डाकू है। कांग्रेस के जिला है कि मेरा भाईंदर का विकास नहीं हो रहा है। शिवसेना और भाजपा के आमदार बस अपना विकास करने में लगे हैं। युवा वर्ग बेरोजगार यहाँ वहाँ भटक रहा है। मेरा भाईंदर भाजपा शिवसेना मिलकर पैसों से अपना घर बना रहे हैं। भाजपा और शिवसेना के सारी योजनाएं बस पेपर पर हैं। मोदी साहब को हमारे जो मोदी साहब है उनको मुजफ्फर साहब बोलते हैं, ये देखो हमारा मोदी ईमानदार है, हमारा मोदी सच्चा है। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या है? चौकीदार क्या है? जोर से बोलो, चौकीदार क्या है? चौकीदार महिला, चौकीदार कौन है? हाथ ऊपर करके बोलो, चौकीदार कौन है? चौकीदार कौन है? चौकीदार तो चोर है ये। लेकिन आपको और एक बात बताना चाहता हूं कि दिल्ली का चौकीदार है, लेकिन मीरा भाईंदर का चौकीदार कौन है? अरे मीरा भाईंदर का चौकीदार तो चोर है ही है, लेकिन वो डाकू भी है। क्या है? डाकू भी है, क्योंकि चोर तो है ही है लेकिन ऊपर से डाकू है। देखो मीरा भाईंदर का बजट, आदरणीय मुजफ्फर साहब जब एक कारपोरेशन संभाल रहे थे तो मेरे को जो जानकारी है, तो ऐसी कोई गली नहीं, ऐसा कोई घर नहीं जहां तक वो पहुंचे नहीं। कांग्रेस के यहाँ पर बैठे हुए सारे कार्यकर्ता है, राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता है, मीरा भाईंदर की हर समस्या पे एक जागरूक सांसद करके संजीव नाइक जी ने काम किया। और मैं मीरा भाईंदर की जनता को ये वचन देने आया हूँ कि आनंद फरांस पे उसी जागरूकता से मीरा भाईंदर का विकास करेगा। मीरा भाईंदर की सभी समस्याओं का उत्तर उसके पास है, वो सुलझाएगा, ये विश्वास मैं आपको देने आया हूँ। और यहाँ पर सब कार्यकर्ता बैठे, मेरी माता है, मेरी बहनें बैठी है। एक उम्मीदवार नहीं, आपके घर का मैं आपका लड़का हूँ, आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, जो हर एक के जिंदगी में आनंद लगता है, उस आनंद को आपको घर घर में पहुंचाना है। यह विनंती मैं सभी कार्यकर्ताओं को करने आया हूँ। मीरा भाईंदर के यहाँ पर पत्रकार बैठे हैं, सभी को सम्मानपूर्वक आभार भी उनके व्यक्त करता हूं कि 2008-09 में भी प्रेस ने मुझे सराहा था, साथ में जो मुद्दे उठाने चाहिए उसकी जानकारी भी देते थे। और आने वाले दिनों में यही उम्मीद मेरे पत्रकार मित्रों से रखता हूं कि मीरा भाईंदर के जितने भी सारे प्रश्न है वो मैं उठाऊंगा, दिल्ली के लोकसभा में उसकी आवाज आपको सुनाई देगी, ये विश्वास यहाँ पर व्यक्त करता हूँ। और इन्हीं पे मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी और जय कांग्रेस और जय आगामी। कोई भी कार्य जमीनी स्तर पर नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि 4 से 5 सालों में इन्होंने बस हमारे द्वारा किए गए कामों का उद्घाटन किया है। कांग्रेस का कहना है कि ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। गणेश नाइक का कहना है कि आनंद प्रकाश जी इस बार 50,000 से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे और राजन विचारे को अपने गांव जाकर खेती करनी पड़ेगी।